जैसे ही सबकी निगाहें उस काले पत्थर पर पड़ी, वह एक क्षण के लिए इस तरह गूंज उठा मानो उसमें से कुछ प्रकाश फूटने वाला हो। लेकिन यह सिर्फ एक पल की बात थी, क्योंकि जल्दी ही पत्थर फिर से अपनी शांत स्थिति में लौट आया। लाइट भी दोबारा चालू नहीं हुई। इस निस्तब्धता के बीच पूरा स्थान एक अजीब सी चुप्पी में डूब गया। पेवेलियन के अंदर मार्शल सेरेंडिपिटी में एक पल की चौंकाहट के बाद अनिल ने परिणाम पर हंसने के बजाय चेहरे पर व्यंग्य और ठिठोली भरा भाव दिखाया। हे हे, तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो? परिणाम जानते हुए भी किस्मत आजमाने पर तुल गए? अगर अपंग होना ही तुम्हारी इच्छा है तो भगवान भी शायद तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। संजय और निशा ने भी तिरस्कार भरी नजरों से रणवीर की तरफ देखा। पहले वे उसकी पृष्ठभूमि से कुछ घबराए हुए थे, लेकिन अब जबकि रणवीर अपने विनाश के करीब था, उनके लिए उसमें समय गंवाने का कोई तुक नहीं था। रवि और उसके साथियों के दिलों में एक गहरी निराशा की लहर उठी जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे रणवीर का पतन होते देखना नहीं चाहते थे। रणवीर ने केवल 3 महीनों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में अपना नाम स्थापित कर लिया था। उसने अनगिनत दुश्मनों का सामना किया और अपने से अधिक शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ चमत्कार करते हुए हर बार परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाबी पाई थी। उसने बहुत पहले ही सभी का सम्मान अर्जित कर लिया था, लेकिन अब वास्तविकता की कठोरता के सामने वह लगभग पागल और लगभग अपंग हो चुका था। शरद पर्वत की चोटी पर गहरा सन्नाटा छा गया। संजय, अनिल और निशा के विपरीत वहां मौजूद दुष्ट साधक रणवीर की दुर्दशा देख अवर्णनीय दुख से भर गए थे। एक अत्यंत सम्मानित शिष्य अब इतनी तेजी से अपंगता की ओर बढ़ रहा था। कुछ दुष्ट साधकों ने भारी मन से आह भरी। क्या ये वही बात नहीं है? हां, शायद यह वही है। अपमान में जीने से बेहतर है गौरव के साथ मरना। बिल्कुल, वह भले ही मार्शल सम्राट बनने में असफल रहा हो, लेकिन अगर वह ज्यानटियन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाता तो लुओहे साम्राज्य के लाखों साधकों से कहीं ऊपर होता। वाकई कितनी दयनीय स्थिति है। एल्डर देवराज और अव्यवस्थित ज्वाला संप्रदाय के अन्य एल्डर, जो शुरू में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने के इरादे से आए थे, इन साधकों की बातें सुनकर शांत हो गए। वे समझ गए थे कि अगर इस समय उन्होंने रणवीर का मजाक उड़ाया तो निश्चित रूप से भीड़ उनके खिलाफ हो जाएगी और उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगेगा। चूंकि रणवीर का अंत अपंगता में होना तय था, वे जानते थे कि भविष्य में उसकी हंसी उड़ाने वालों की कमी नहीं होगी। लेकिन गोविंद के लिए, जिसने रणवीर से गहरी नफरत पाल रखी थी, यह जानकर कि रणवीर अपंग हो जाएगा, उसकी सारी घृणा धुंधली पड़ गई। एक अपंग व्यक्ति से रंजिश रखने का कोई मतलब नहीं था। ट्रेडिंग अलायंस की पालकी में सफेद शर्ट पहने महिला ने रणवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। मैंने हमेशा रणवीर के आत्मविश्वास की प्रशंसा की है, इस बात के लिए कि उसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। कौन सोच सकता था कि वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी कल्टीवेशन और जीवन को दांव पर लगा देगा? लोग कह सकते हैं अपमान में जीने से बेहतर है गौरव में मर जाना, लेकिन यह केवल एक जिद्दी अहंकारी कदम है। जब रणवीर को आखिरकार एहसास हुआ कि वह मार्शल सम्राट की स्थिति हासिल नहीं कर पाएगा, तो वह बुरी तरह से टूट गया। वह बार बार कोशिश करता रहा, जैसे वह उस असफलता को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। सीधे तौर पर कहें तो वह अपनी हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह महिला जिसने सफेद शर्ट पहनी थी अब शांत आंखों से उसे देख रही थी और खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। अनिल और संजय जैसे विलक्षण प्रतिभाओं का भी उसकी नजरों में कोई खास महत्व नहीं था। उसकी नजर में रणवीर की प्रशंसा उसकी महान शख्सियत की वजह से थी, न कि उसकी प्रतिभा या कल्टीवेशन के कारण। परंतु अब ऐसा लग रहा था कि रणवीर भी बाकी साधकों से अलग नहीं था। इसी दौरान मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत पर वृद्ध व्यक्ति ने अपने विचार इकट्ठा किए। वह अपने भावशून्य चेहरे से संभावित पत्थर को देखता रहा और ठंडी निगाहों से कहा, तुमने कहा था कि तुम अपने अंगों को बेकार कर दोगे, नसों को नष्ट कर दोगे और अपनी डांटियन को खुद ही नष्ट कर लोगे।
चूंकि तुमने अपने वादे तोड़ दिए हैं, अब मैं यह खुद करूंगा और तुम्हें अपंग बना दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत हमला किया और रणवीर पर बेहद क्रूर ताकत से वार किया। इसके बावजूद रणवीर ने अपनी स्थिति को नहीं खोया और उसकी आंखें अब भी पत्थर पर टिकी रहीं। इस पल में रणवीर के दिमाग में तेजी से विचार चलने लगे। तार्किक रूप से यह असंभव है कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति जो दिव्य युद्ध आत्मा का मालिक है को मार्शल सम्राट का क्षेत्र हासिल ना हो। यह पत्थर किसी की प्रतिभा और भाग्य के आधार पर भविष्यवाणी करता है। जब मैं धीरेन्द्र के इतना करीब हूं और राजकुमारी उर्वशी मेरी रक्षा कर रही हैं, तो मुझे इतनी आसानी से मरने का कोई कारण नहीं दिखता। मैं बस इतना ही नहीं सोचता, मैं पूरी शिद्दत से मानता हूं कि मैं मार्शल सम्राट के स्तर तक ही नहीं बल्कि उसे पार कर मार्शल पूर्वज की जिंग तक भी पहुंच सकता हूं। फिर ये संभावित पत्थर क्यों मानता है कि मैं मार्शल सम्राट से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य युद्ध आत्मा इतनी प्रबल है कि इसकी ताकत को ये पत्थर समझ ही नहीं पाया? नहीं, बात इतनी सरल नहीं है। जब मैंने अपनी मार्शल कला की प्रतिभा का परीक्षण किया था, तब महासागर क्रिसेंट बोल्डर और वायलेट महासागर फुल मून बोल्डर ने मेरी क्षमता को परखा था, लेकिन दोनों ही मेरी ताकत का अंदाजा लगाते लगाते टुकड़ों में बिखर गए। वे यह जांच ही नहीं कर पाए कि मेरी दिव्य युद्ध आत्मा कितनी गहरी और अद्वितीय है। यदि यह संभावित पत्थर भी मेरी संभावनाओं का सही सही आकलन नहीं कर पाया, तो वही हश्र इसका भी होगा। यह भी चूर चूर हो जाएगा। रणवीर का मन अब भी स्थिर और सहज था, भले ही उसकी जान को खतरा मंडरा रहा था। उसकी सांसों की लय एकदम सामान्य बनी रही, जैसे कोई दबाव ही ना हो। असल में जब उसने लगातार 6 बार परीक्षण किया, तब भी उसका होश हवास पूरी तरह दुरुस्त था, जबकि बाकी सबको यही लग रहा था कि वह अपना दिमाग खो बैठेगा। हर बार नए सिरे से परीक्षण करते हुए वह बस एक ही सवाल से जूझता रहा, असली समस्या आखिर कहां है? उसी पल रणवीर के भीतर खतरे की एक तीव्र चेतावनी उठी। ऐसा एहसास हुआ मानो मौत ने उसकी दहलीज पर दस्तक दे दी हो। इस अनजाने खतरे का स्रोत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था। रणवीर ने उस खतरनाक भावना को झटक दिया और आज दिन भर की घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से याद करने लगा, जैसे किसी छिपी कड़ी को खोजने की कोशिश कर रहा हो। मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में वृद्ध व्यक्ति का प्रवेश, संभावित पत्थर की ओर बढ़ता हुआ परीक्षण का प्रारंभ। अचानक बिजली की चमक ने रणवीर के विचारों को झकझोर दिया और उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। यह पत्थर, यह तो महज एक सजावटी टुकड़ा है, साधारण पत्थर। इसमें किसी की भविष्यवाणी करने की शक्ति नहीं है, भविष्य की उपलब्धियां तय करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। ये तो इंसान के फैसले, उसकी इच्छा शक्ति और शायद किस्मत पर निर्भर करती है। हास्यास्पद, इससे पहले मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में मैंने सीनियर सिस्टर सुमति का व्याख्यान सुना था। उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने बताया कि महाद्वीप ऊपरी और निचले हिस्सों में बटा हुआ है और मार्शल गॉड वास्तव में मौजूद है। उस वक्त मेरा मार्शल हार्ट, मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक विशेषज्ञ बनने की नहीं थी बल्कि ऐसा मिथक, ऐसी किंवदंती बनने की थी जिसे कोई पार न कर सके, जिसे हर कोई जान सके। मेरी महत्वाकांक्षा अब भी वैसी ही है और मेरा मार्शल हार्ट अब भी धड़क रहा है, मुझे असीमित शक्ति दे रहा है। कोई पत्थर मेरे भविष्य का निर्धारण कैसे कर सकता है? तभी रणवीर ने अचानक एक भयानक दहाड़ लगाई और संभावित पत्थर उसके सामने जोर से कांपने लगा। उसी पल एक तेज रोशनी, जैसे कोई ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो, पत्थर से निकलकर चारों ओर बिखर गई। सुनहरी रोशनी की किरण अविश्वसनीय रूप से चमकदार थी, मानो उसमें प्राचीन ड्रैगनों का समूह समाया हो, जिनके गर्जन से आसमान और धरती दोनों हिल उठे। बूढ़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिजली उसके ऊपर आ गिरी हो और वह एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप के सारे प्रतिभाशाली लोग और शरद पर्वत की चोटी पर खड़े दुष्ट साधक और बुजुर्ग सभी पूरी तरह से स्तब्ध थे। यह क्या हो रहा था? संभावित पत्थर से इतनी तीव्र रोशनी क्यों निकल रही थी? कोई भी इस दृश्य का स्पष्ट अर्थ समझ नहीं पा रहा था।
10 सांसों के बाद बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों में संभावित पत्थर की ओर देखते हुए एक चमक आई और उसने जोर से कहा, ये कैसे हो सकता है? पिछली 6 बार में कुछ भी नहीं हुआ था, अब 7वीं बार में डोमिनेटर लाइट क्यों दिखाई दे रही है? बूढ़े आदमी की आवाज से मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप के प्रतिभागियों के चेहरों पर और शरद पर्वत की भीड़ में खड़े लोगों में गहरा आश्चर्य छा गया था। क्या रणवीर ने सच में 7वीं बार डोमिनेटर लाइट को सक्रिय कर दिया था? क्या इसका मतलब यह है कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां संजय से भी आगे बढ़ जाएंगी और वह मार्शल डोमिनेटर के स्तर तक पहुंच जाएगा? इसी बीच बूढ़े व्यक्ति के सवाल पर रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, बड़े, मुझे पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि संभावित पत्थर कभी झूठ नहीं बोलता। अब जब मैंने डोमिनेटर लाइट को ट्रिगर कर दिया है, इसका मतलब है कि मैं भविष्य में मार्शल डोमिनेटर स्तर तक पहुंचने में सक्षम हूं। क्या इसका अर्थ यह है कि मैंने इस परीक्षा का पहला चरण जीत लिया है? बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। उसने रणवीर की ओर उलझन से भरी निगाह डाली, फिर धीमे और नरम लहजे में बोला, हालांकि मुझे पूरी सच्चाई नहीं मालूम कि असल में क्या हुआ, मगर तुम सही हो। चूंकि तुमने डोमिनेटर लाइट को सक्रिय कर दिया है और दूसरों को पछाड़ दिया है, इस राउंड के विजेता तुम ही हो। रणवीर ने शांत भाव से अपनी मुट्ठियां फिर कस ली, मानो यह जीत उसके लिए मामूली बात हो। मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में मौजूद तमाम प्रतिभाशाली लोग और ऑटम माउंटेन के शिखर पर खड़े दुष्ट साधक अपने भीतर एक अजीब किस्म की बेवकूफी का एहसास कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक रणवीर एक साधारण व्यक्ति था जो लाइट तक को सक्रिय नहीं कर पाता था, और अब चंद लम्हों में ही वह डोमिनेटर लाइट तक को सक्रिय करने में कामयाब हो गया, जिससे उसने पहले स्थान पर कब्जा कर लिया। संजय और अनिल, जिनके पास 10वीं कक्षा की प्रथम श्रेणी की मार्शल स्पिरिट थी, वे भी उसकी बराबरी नहीं कर सके। क्या वाकई इतना बड़ा बदलाव इतनी तेजी से हो सकता है? ये असंभव है, अनिल ने अचानक अपने विचार समेटे और ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सिर्फ 8वीं कक्षा की प्रथम श्रेणी के मार्शल स्पिरिट बदमाश हो, तुम डोमिनेटर लाइट को कैसे सक्रिय कर सकते हो? जरूर तुमने संभावित पत्थर के साथ कुछ चालबाजी की होगी। अगर संजय पहले स्थान पर आता तो अनिल को बुरा जरूर लगता, मगर वह हार स्वीकार कर लेता। मगर रणवीर की जीत से उसे समझौता करना बेहद मुश्किल था। लेकिन अचानक रणवीर ने 8वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी वाले मार्शल स्पिरिट की शक्ति के साथ पूरे माहौल को बदल दिया और डोमिनेटर लाइट को सक्रिय कर दिया। यह संकेत था कि उसके पास भविष्य में मार्शल डोमिनेटर के दायरे को हासिल करने का मौका हो सकता है। यह स्वीकार करना कितना कठिन था, यह सिर्फ अनिल ही नहीं था जो हक्का बक्का रह गया। संजय की आंखों में भी एक ठंडी चमक उभर आई और उसकी आवाज में जानलेवा कड़वाहट थी, जैसे किसी भयावह गहराई से उठ रही हो। यह बेतुकी बात है, हर कोई जानता है कि मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंचने के लिए 10वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी का मार्शल स्पिरिट होना जरूरी है। सच्चाई को कबूल करो, वरना अपनी जान गंवाओगे, अनिल ने प्रश्नवाचक स्वर में बात की थी, लेकिन संजय ने हिंसा का सहारा लेने का ठान लिया था। अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के युवा गुरु और 10वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी वाले मार्शल स्पिरिट के स्वामी के रूप में वह निश्चय ही खुद को मार्शल डोमिनेटर के दायरे में पहुंचने के काबिल मानता था। तो फिर रणवीर, जिसने केवल 8वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी वाले मार्शल स्पिरिट को प्राप्त किया था, कैसे इस ऊंचाई तक पहुंच सकता था? संजय के लिए इसका एकमात्र तर्कसंगत उत्तर यही था कि रणवीर ने किसी गुप्त तरीके से संभावित पत्थर को छेड़छाड़ की होगी, अन्यथा पत्थर ने पिछले 6 परीक्षणों में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? संजय और अनिल की बातें सुनने के बाद ऑटम माउंटेन की चोटी पर खड़े सभी प्रतिभाशाली लोग और दर्शक स्वाभाविक रूप से सिर हिलाने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रणवीर इस अवस्था में कभी मार्शल डोमिनेटर के स्तर तक पहुंच सकेगा। आखिरकार कैंगलान महाद्वीप में नियम थे, प्राचीन समय से चले आ रहे नियम। केवल 10वीं कक्षा के
प्रथम श्रेणी वाले मार्शल स्पिरिट रखने वालों के पास ही मार्शल डोमिनेटर बनने का एक छोटा सा मौका था। रणवीर ने संजय और अनिल की ओर देखा और अचानक हंस पड़ा। तुम दोनों सही कह रहे हो, मैं वास्तव में मार्शल डोमिनेटर का विशेषज्ञ नहीं बनूंगा। अनिल, संजय और अन्य प्रतिभाशाली लोग, साथ ही ऑटम माउंटेन की चोटी पर खड़ी भीड़, सब स्तब्ध रह गए। क्या रणवीर ने वाकई इतनी आसानी से मान लिया कि वह धोखा दे रहा है? तभी रणवीर का स्वर अचानक बदल गया और उसके साथ ही एक अद्वितीय शक्ति महसूस हुई। उसने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मेरी उपलब्धियां मार्शल डोमिनेटर दायरे से आगे जाएंगी। उसके ये शब्द बोलते ही संभावित पत्थर फिर से जोर से कांप उठा। सुनहरी रोशनी पल भर में बदलकर गहरी काली रोशनी में बदल गई, जो मानो नरक की गहराइयों से निकली हो। यह काली रोशनी इतनी सघन थी कि किसी भी रंग को निगल जाने का आभास दे रही थी। उसके भीतर एक अजीब दम घोंटने वाली आभा घनी हो रही थी, जो हर चीज पर हावी होने में सक्षम लग रही थी। यहां तक कि एक मार्शल डोमिनेटर भी उसके सामने बौना महसूस होता। यह था काले प्रकाश का महामहिम रूप। संभावित पत्थर की भविष्यवाणी अब स्पष्ट थी। रणवीर के पास भविष्य में मार्शल हाइनेस दायरे तक पहुंचने की पूरी संभावना थी। यह क्या? बूढ़े व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से और भी चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। पहले जो संजय और अनिल की आंखों में तिरस्कार था, अब वही आंखें पूरी तरह खुली थीं, जैसे कोई विस्फोट उनके दिमाग में हुआ हो, जिसने सोचने समझने की शक्ति छीन ली हो। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद अन्य प्रतिभाशाली लोग और ऑटम माउंटेन की चोटी पर खड़ी भीड़, हर कोई इस अद्भुत नजारे को देखकर स्तब्ध था। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। यह संभव कैसे हो सकता है? रणवीर ने हाइनेस लाइट को सक्रिय कर लिया था। क्या इसका मतलब यह है कि वह भविष्य में पौराणिक मार्शल हाइनेस स्तर तक पहुंच सकता है? राउंड की शुरुआत में तुम तीनों, संजय, अनिल और निशा, मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे। रणवीर ने हैरान खड़े लोगों की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अब बताओ, असली बदमाश कौन है? असली बेकार कौन है? उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, सच कहूं तो मार्शल हाइनेस स्तर हासिल करना मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, क्योंकि यह मेरी मंजिल नहीं है। रणवीर के इन शब्दों के बाद वह काला संभावित पत्थर फिर से तेजी से कंपन करने लगा और उसके साथ ही भयंकर काली रोशनी फिर से बदलने लगी। भीड़ देख सकती थी कि उस काले प्रकाश के बीच से एक शुद्ध पवित्र प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश कालेपन को चीरता हुआ उसे निगल रहा था और अंततः वह रोशनी शुद्ध सफेद में बदल गई। वह प्रकाश इतना पवित्र और शक्तिशाली था कि मानो इस दुनिया से परे हो। वह शुद्ध प्रकाश कोई और नहीं बल्कि पवित्र प्रकाश था। इसका सीधा अर्थ यह था कि रणवीर भविष्य में मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। उस पल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और ऑटम माउंटेन की चोटी पर खड़े सभी लोगों के चेहरों पर गहरा विषाद और अविश्वास छा गया। संभावित पत्थर की चकाचौंध ने उनके ज्ञान और दुनिया की उनकी समझ को बुरी तरह झकझोर दिया था। क्या यह सचमुच पवित्र प्रकाश था? क्या रणवीर भविष्य में मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब होगा? आठवीं श्रेणी के प्रथम श्रेणी के मार्शल स्पिरिट वाले किसी साधक का इस स्तर तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता था? यह तो सर्वविदित था कि मार्शल स्पिरिट का स्तर कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। एक विशेषज्ञ बनने के लिए उच्च श्रेणी का मार्शल स्पिरिट जरूरी था। उदाहरण के तौर पर, पांचवीं श्रेणी का साधक कभी भी मार्शल सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था और आठवीं श्रेणी का साधक तो मार्शल डोमिनेटर के क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्शल पूर्वज स्तर तक उसकी पहुंच लगभग नामुमकिन थी। प्रत्येक मार्शल कलाकार अपनी मार्शल आत्मा के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु बनाता था। यदि मार्शल आत्मा का स्तर ऊंचा न हो तो उच्चतर कल्टीवेशन तक पहुंचना असंभव था। फिर भी रणवीर ने वह कर दिखाया जिसे नामुमकिन समझा गया था। उसने आठवीं श्रेणी के प्रथम श्रेणी के मार्शल स्पिरिट के साथ पवित्र प्रकाश को सक्रिय कर दिया था।
इसे देखकर पहले दौर के बुजुर्ग भी हैरान रह गए थे। वे कुछ देर तक अवाक खड़े रहे। सिर्फ 10 सांसों के भीतर ट्रेडिंग एलायंस की पालकी में बैठी सफेद शर्ट पहने महिला अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हैरानी की लहरें थीं। ये क्या हो रहा है? वह मार्शल पवित्र क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता है? ये तो नामुमकिन है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रणवीर ने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत से बोलना शुरू किया। मुझे लगता है आप सभी ने इसे देखा होगा। यह पवित्र प्रकाश है और इसका मतलब है कि मैं मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हूं। उसकी आवाज शांत थी, जैसे उसे सब पहले से पता था। कैंगलान महाद्वीप के नियमों के अनुसार मेरी मार्शल आत्मा के साथ मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचना असंभव है। फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी क्षमताएं यहीं तक सीमित नहीं हैं। इससे पहले कि लोग इस रहस्य को समझ पाते, संभावित पत्थर ने फिर से हलचल की और उससे निकली चमकदार बैंगनी रोशनी ने शुद्ध पवित्र प्रकाश को निगल लिया। यह बैंगनी प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि मानो यह दुनिया की शुरुआत से ही मौजूद हो। इसमें एक अनोखी दबाव डालने वाली आभा थी, जिसे मार्शल प्रोजेनिटर दायरा के नाम से जाना जाता था। यही रणवीर की अंतिम मंजिल थी। उसे एक दिन मार्शल प्रोजेनिटर दायरे तक पहुंचना था। उस क्षण मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में बैठे बुजुर्ग और प्रतिभाशाली लोग स्तब्ध रह गए। ऑटम माउंटेन की छोटी पर खड़े साधकों के चेहरों पर एक अजीब सन्नाटा छा गया, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या प्रतिक्रिया दें। पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला अपनी बात पूरी करने से पहले ही थम गई। मार्शल प्रोजेनिटर दायरा? क्या रणवीर वास्तव में इस मुकाम तक पहुंच सकता है? क्या यह मजाक तो नहीं? कैंगलान महाद्वीप पर कल्टीवेशन के क्षेत्र कई स्तरों में विभाजित थे। शरीर संयम क्षेत्र, ज्यानटियन क्षेत्र, मार्शल सम्राट क्षेत्र, मार्शल पूर्वज क्षेत्र, मार्शल प्रभुत्व क्षेत्र, मार्शल महारानी क्षेत्र, मार्शल पवित्र क्षेत्र और अंत में मार्शल देव क्षेत्र। यदि कोई मार्शल प्रोजेनिटर दायरे तक पहुंचता है तो वह पूरे महाद्वीप पर एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता। अब एक साधारण 8वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी के मार्शल स्पिरिट साधक के पास पूरे कैंगलान महाद्वीप में एक शीर्ष विशेषज्ञ बनने का अवसर था। लेकिन रणवीर को भीड़ के आश्चर्य का कोई भान नहीं था। वह शांत स्वर में बोलता रहा, प्रोजेनिटर लाइट, मेरा भविष्य मार्शल प्रोजेनिटर स्तर तक पहुंच सकता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, समझे? मार्शल प्रोजेनिटर की सीमा तो केवल शुरुआत भर है। फिर अचानक संभावित पत्थर का कंपन रुक गया, लेकिन उसके स्थान पर एक तेज धमाका हुआ जिसने धरती को हिला दिया। संभावित पत्थर से एक भयंकर लाल प्रकाश निकला, जिसने पूरे वातावरण को एक असहनीय दबाव से भर दिया। यह दबाव किसी की उपस्थिति का आभास देता था, मानो वह सारी सृष्टि से ऊपर हो। ऐसे प्रभुत्व के सामने, चाहे कोई बॉडी टेम्परिंग स्तर का हो या मार्शल प्रोजेनिटर स्तर का, हर कोई पृथ्वी और आकाश के बीच एक नगण्य चींटी जैसा प्रतीत होता था। वह लाल चमक लाइट थी। रणवीर की अगली बड़ी उपलब्धि पौराणिक मार्शल सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना थी। उस क्षण हर एक प्रतिभाशाली साधक और दर्शक ने जैसे अपने होश गंवा दिए। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य लाल बत्ती उनकी आत्माओं के भीतर घुस गई हो और उन्हें एक अविस्मरणीय झटका दे गई हो। अब तो शब्द भी उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए नाकाफी साबित हो रहे थे। मार्शल सम्राट क्षेत्र? 8वीं श्रेणी के एक साधक जिसके पास प्रथम श्रेणी की मार्शल आत्मा थी, वह मार्शल सम्राट क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता है? क्या यह अब भी वही कैंगलान महाद्वीप था जो अपनी कठोर मर्यादाओं और रैंकों के लिए जाना जाता है? क्या यह अब भी वही दुनिया थी जो मार्शल स्पिरिट्स की श्रेणियों को सर्वोच्च मानती थी? फिर भी सामने का दृश्य और वह चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी, मार्शल सम्राट दायरे की गंभीर आभा, इस बात की पुष्टि कर रही थी कि यह सत्य था। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बुजुर्ग, जो उस दौर के पहले मार्गदर्शक थे, स्तब्ध खड़े थे। वे अपनी आत्मा पर काबू नहीं रख सके और सहज ही बुदबुदा उठे, मोनार्क लाइट, यह सचमुच मार्शल मोनार्क दायरा है।
एक वास्तविक मार्शल मोनार्क दायरे का साधक, पूरे महाद्वीप में सबसे ऊंची शक्ति का प्रतीक। बुजुर्ग की नजरों में यह दिन उनके जीवन का सबसे अविस्मरणीय पल बन गया था। इसी बीच रणवीर की शांत आवाज में अचानक उत्तेजना की लहर आ गई। उसने गर्जना करते हुए कहा, मार्शल मोनार्क क्षेत्र, तो क्या मेरी उपलब्धि यहां पर कैसे रुक सकती है? यह तो बस शुरुआत है। और उसी पल चकाचौंध करती हुई लाल रोशनी उत्सर्जित करने वाला संभावित पत्थर फट पड़ा और पूरी जगह नौ रंगों की रोशनी से भर गई, जैसे किसी विनाशकारी बाढ़ ने पूरे दृश्य को बदल दिया हो। नौ रंगों वाला प्रकाश वह ईश्वर की आभा, मार्शल गॉड क्षेत्र की घोषणा कर रहा था। रणवीर की अगली मंजिल मार्शल गॉड दायरे में विशेषज्ञता हासिल करना थी। मार्शल गॉड क्षेत्र की क्या महत्ता थी? कैंगलान महाद्वीप पर मार्शल गॉड दायरे के साधक सिर्फ किंवदंतियों में पाए जाते थे। ऐसे साधक को भगवान कहा जाता था, जिसकी जीवन प्रत्याशा सूर्य और चंद्रमा की तरह अनंत थी। कैंगलान महाद्वीप के संपूर्ण इतिहास में अनगिनत प्रतिभाशाली योद्धा और नायक आए गए, लेकिन भगवान बनने का गौरव कुछ चुनिंदा ही पा सके थे। रणवीर का जोश धीरे धीरे खत्म हो गया जब उसने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के भीतर मौजूद असाधारण व्यक्तियों पर निगाह डाली। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर खेल गई और वह बोला, आप लोग शायद उलझन में हैं। आठवीं कक्षा के प्रथम श्रेणी के मार्शल स्प्रिट के साथ मेरा मार्शल गॉड दायरे तक पहुंचना कैसे मुमकिन होगा? असल में शायद मैं कभी मार्शल सम्राट दायरे तक भी न पहुंच पाऊं, या हो सकता है कि मैं मार्शल गॉड दायरे का महारथी बन जाऊं या उससे भी आगे निकल जाऊं। भविष्य तो संभावनाओं का खेल है। आपके शब्द, आपके कर्म, यहां तक कि एक छोटा सा ठहराव भी अनगिनत लोगों का जीवन बदल सकता है। इसलिए भविष्य को पहले से जान पाना संभव नहीं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह कैसा होगा। यह संभावित पत्थर मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की आखिरी परीक्षा है, पर यह किसी का भविष्य नहीं बता सकता। जैसे ही उसने नौ रंगों की रोशनी से दमकते पत्थर की ओर इशारा किया और हल्के से मुस्कुराया, रणवीर ने शांति से कहा, मेरे भविष्य में अनगिनत संभावनाएं हैं। सभी की आंखों के सामने संभावित पत्थर से एक हल्की भनभनाहट हुई और फिर वह सामान्य स्थिति में लौट आया। कोई हलचल नहीं, कोई असाधारण अनुभव नहीं हुआ। नौ रंगों की रोशनी गायब हो चुकी थी और चारों ओर फिर से सन्नाटा पसर गया। संभावित पत्थर बस एक साधारण पत्थर था। उस वक्त मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप और ऑन्टम माउंटेन के शिखर पर मौजूद तमाम प्रतिभाशाली लोग और साधक स्तब्ध खड़े थे। घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि उन्हें कोई प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने देखा कि कैसे रणवीर ने डोमिनेटर लाइट, हाईनेस लाइट, सेक्रेड लाइट, प्रोजेनिटर लाइट, मोनार्क लाइट और गॉड लाइट का आह्वान किया था। अंत में संभावित पत्थर टुकड़ों में बिखर गया और रणवीर ने भीड़ से कहा कि यह केवल एक साधारण पत्थर था, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन का एक परीक्षण मात्र। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मंडप की पहली परत के प्रभारी बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने पहली बार इस संभावित पत्थर को बहुत साल पहले देखा था और तब से इसकी जांच करता रहा हूं, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक साधारण पत्थर निकलेगा। हां, तुम सही हो, भविष्य असीमित संभावनाओं से भरा है और कोई नहीं जान सकता कि आगे क्या होगा। यह कहते हुए उन्होंने प्रशंसा भरी नजरों से रणवीर की ओर देखा और बोले, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी सच्चाई नहीं जान पाता। रणवीर ने विनम्रतापूर्वक अपनी मुट्ठियां जोड़ी और कहा, बड़े, मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे इतनी बार इस पत्थर को छूने की अनुमति दी। अगर ऐसा न हुआ होता तो मैं इसके रहस्यों को कभी नहीं समझ पाता। बुजुर्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा, अब इसके बारे में कुछ और कहना बाकी नहीं है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की, जिससे पूरा स्थान गूंज उठा, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन का पहला दौर समाप्त हुआ। विजेता रणवीर है। अगले दौर में आगे बढ़ने वाले बाकी नौ प्रतिभागी हैं, संजय, अनिल, रवि, निशा। उनकी घोषणा सुनकर सभी प्रतिभागियों ने आखिरकार अपने विचार एकत्रित किए। हालांकि जो इस बार दूसरे दौर में आगे बढ़ने में असफल रहे, उनके चेहरों पर निराशा का कोई भाव नहीं था।
और जो सफल हुए उनके चेहरे पर खुशी के कोई निशान नहीं थे। सच तो ये था कि इस दौर में वे सभी हार चुके थे। रणवीर, संजय की नजर रणवीर पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सा जानलेवा इरादा तैरने लगा। संजय को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह पत्थर साधारण था या नहीं, उसकी चिंता केवल यही थी कि रणवीर ने उसका पहला स्थान छीन लिया था, वो स्थान जिसे वह अपना समझता था। हालांकि वे अभी भी मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में थे, संजय केवल अपने हत्या के इरादे को रोक सकता था और बदला लेने के लिए किसी बेहतर मौके का इंतजार कर सकता था। हा हा हा, यह तथाकथित पत्थर वाकई साधारण ही है। अगर ये असली भी है तो क्या आप मार्शल गॉड की शक्ति हासिल कर लेंगे? क्या मजाक है? अनिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रणवीर का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और आपकी संभावनाएं असीमित कैसे हो सकती हैं? आठवीं कक्षा के प्रथम श्रेणी वाले मार्शल स्पिरिट के साथ आप कभी मार्शल पूर्वज के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये सच्चाई है। बाकी लोग बिना कुछ बोले अनिल की ओर देखने लगे। आखिर रणवीर के पास आठवीं कक्षा का प्रथम श्रेणी का मार्शल स्पिरिट है तो क्या वह वही गलती ढूंढने में कामयाब रहा जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया और राउंड में पहला स्थान हासिल किया? क्या अनिल भी ऐसा कर सकता था? फिर भी अनिल की स्थिति और क्षमता के डर से किसी ने खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अनिल को रणवीर का और मजाक उड़ाने का मन था, मगर जब उसने भीड़ की निगाहें महसूस की तो उसका चेहरा गर्म हो गया। कुछ समय के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर शरद पर्वत की चोटी पर मार्शल मिरर के जरिए इस अद्भुत दृश्य को देखकर दुष्ट साधक और शीर्ष चार संप्रदायों के बुजुर्ग शब्दहीन थे। केवल गोविंद कुछ देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद जोर से हंसे और बोले, हा हा हा, रणवीर विजेता है, रणवीर विजेता है। वह सच में हमारे रहस्यमय आत्मा संप्रदाय का नायाब रत्न है जो दो मार्शल पूर्वज क्षेत्र के विशेषज्ञों का शिष्य है। अब गोविंद के दिल में रणवीर के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रहा। चूंकि उसने पहले ही रणवीर पर दांव लगाया था तो अब 5000 मार्शल सम्राट गोलियां जीतकर पासा पलटने की जीत का जश्न मना रहा था। सबसे खास बात यह थी कि रणवीर ने आठवीं कक्षा के प्रथम श्रेणी वाले मार्शल स्पिरिट के साथ वह समस्या ढूंढ निकाली थी जिसे संजय, अनिल और बाकी भी नहीं समझ पाए थे, और वह पहले स्थान पर रहा। क्या यह गर्व की बात नहीं थी? गोविंद का चेहरा चमक उठा। उसने जानबूझकर देवदत्त और बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, मुझे खेद है, कौन सोच सकता था कि हमारे मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय ने पहला राउंड जीत लिया होगा। लेकिन आप निराश मत हो, संजय, अनिल और बाकी के नतीजे भी खराब नहीं थे। अब देवदत्त और अन्य बुजुर्गों को सांत्वना देने की बारी गोविंद की थी। देवदत्त और अव्यवस्थित ज्वाला संप्रदाय के बुजुर्ग के चेहरे अचानक ही बदल गए। कुछ गहरी सांस लेकर देवदत्त ने हल्की सी उदास मुस्कान के साथ कहा, एल्डर गोविंद, इतना जल्दी खुद पर इतना गर्व मत कीजिए। रणवीर के पास केवल आठवीं कक्षा का प्रथम श्रेणी वाला मार्शल स्पिरिट है। हां, उसने किस्मत से पहला राउंड जीत लिया, पर दूसरा और तीसरा राउंड वह अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही ट्रेडिंग अलायंस की पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला ने बीच में ही टोक दिया, बड़े देवदत्त, क्या आपको अंदाजा है कि रणवीर ने पहले राउंड में क्या हासिल किया? जैसा कि उसने कहा था, संभावित पत्थर एक साधारण पत्थर ही है, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन द्वारा आयोजित एक परीक्षा। लेकिन जब हमें इससे रूबरू कराया गया तो हमारी पहली सोच यही थी कि हम प्रतिभागियों की भविष्य की संभावनाओं का आकलन करें। पर जब बाकी सभी लोग एक ही दिशा में सोच रहे थे, तब रणवीर ने कुछ बिल्कुल अलग रास्ता चुना। महिला ने अपनी बात जारी रखी। उसका लहजा भले ही नर्म था, लेकिन उसके शब्दों में एक सख्ती छुपी थी। अगर कोई और प्रतिभाशाली होता या आप भी, तो क्या आपको लगता है आप वो कर पाते जो रणवीर ने किया? सुनकर दुष्ट किसानों ने सहमति में सिर हिलाया। हां, वो बिल्कुल सही कह रही है। जब बाकी सभी आंखें मुंह कर सोच रहे थे, तब रणवीर सच को सामने लाने में कामयाब हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वही इस राउंड का विजेता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। पहले राउंड के बारे में मैं अपनी हार को पूरी तरह से मान चुका हूं। हा हा,
जब रणवीर ने कहा कि उनके भविष्य में असीमित संभावनाएं हैं, तो वो पल सच में बहुत प्रेरणादायक था। मैं अब भी उसके बारे में सोचकर रोमांचित हो जाता हूं। दुष्ट साधकों की भीड़ ने रणवीर के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उनकी सराहना सुनकर देवदत्त का चेहरा तुरंत म्लान पड़ गया। हालांकि उसका मन गुस्से से भर गया था, उसने कुछ नहीं कहा, अपने गुस्से को अंदर ही दबाए रखा। वह व्यापारिक गठबंधन की पालकी में बैठी महिला की बातों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सका। सफेद शर्ट पहने उस महिला ने, जो ट्रेडिंग अलायंस की पालकी में बैठी थी, मार्शल मिरर के माध्यम से रणवीर की ओर देखा। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, अविश्वसनीय, कितना आश्चर्यजनक है, आप सच में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मैंने आपको पहले गलत समझा, इसका मुझे अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस। उसकी आंखों में उदासी झलकने लगी। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ पर नजर डाली, फिर ऊंचे स्वर में घोषणा की, पहले दौर का परीक्षण समाप्त हो गया है, दूसरा दौर जल्द ही शुरू होगा। उससे पहले मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि चूंकि रणवीर ने संभावित पत्थर के रहस्यों को खोजने में सफलता पाई है और पहला परीक्षण पास किया है, इसलिए मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन उसे प्रथम पुरस्कार के साथ एक विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगा। इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया। एक विशेष इनाम, रणवीर को अब दो पुरस्कार मिलेंगे। यह सुनकर रणवीर की आंखों में चमक आ गई। रणवीर के लिए पत्थर के रहस्यों की खोज उतनी आकर्षक नहीं थी जितनी कि एक बड़ा पुरस्कार जीतना। ऐसा लग रहा था जैसे वह बूढ़ा आदमी अब बिल्कुल बदल चुका है। वह अब न तो अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था और न ही अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहा था। उसने हाथ उठाया और घोषणा की, ये पहले चरण में शीर्ष 10 प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार है। आप सभी को एक एक शक्ति का फल मिलेगा और विजेता को 3 फलों का उपहार मिलेगा। मुट्ठी के आकार के चमकते क्रिस्टल जैसे फल भीड़ में बांट दिए गए। हाँ, शक्ति का फल? रणवीर ने तुरंत अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की दृष्टि खोली और अपने हाथों में मिले 3 फलों का मुआयना किया। उन्हें देखते ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। इन फलों में एक शुद्ध और रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो प्रथम स्तर के ज्ञानतियान क्षेत्र के साधक के आध्यात्मिक बल के बराबर थी। भीड़ के उलझन में डूबे चेहरे देखकर बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में समझाया, शक्ति का यह फल जब इसे खाया जाता है तो आपकी साधना को एक स्तर तक बढ़ा सकता है। यह केवल ज्ञानतियान क्षेत्र के भीतर प्रभावी है और सिर्फ पहली बार खाने पर ही काम करता है। अगर आप इसे दोबारा खाते हैं तो यह बेअसर हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर सभी दंग रह गए। ज्ञानतियान क्षेत्र के साधकों के लिए अगली परत तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली नहीं होते। इसलिए ये शक्ति के फल, जो किसी की साधना को तुरंत एक स्तर तक बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, असाधारण रूप से मूल्यवान थे। अब सबकी निगाहें रणवीर पर टिक गईं और कोई भी अपनी जलन छिपाने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे शक्ति के फल के 3 टुकड़े मिले थे। हालांकि शक्ति का फल केवल पहले उपयोग में ही असरदार था, फिर भी बाकी के 2 टुकड़े बेचकर वह बड़ी दौलत बना सकता था। रणवीर ने भीड़ की घूरती नजरों की परवाह की बिना शक्ति के फल के 3 टुकड़े अपने स्टोरेज बैग में डाल दिए। फिर उसने कुछ उत्सुकता से पूछा, बाबा, मेरा खास इनाम क्या है? शक्ति का फल बेशक बेशकीमती था, लेकिन जिसने रणवीर के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, वह था वो खास इनाम जिसका जिक्र बुजुर्ग ने पहले किया था। शायद यह इनाम शक्ति के फल से भी ज्यादा कीमती था, क्या पता। यह रहा तुम्हारा खास इनाम। बुजुर्ग ने अपनी उंगली हिलाई और तुरंत एक पुरानी सी दिखने वाली चाबी रणवीर के हाथों में आ गिरी। वह चाबी काली थी और उसमें एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ महसूस हो रहा था। रणवीर ने चौंकते हुए कहा, चाबी, ये किस काम की है? अगर तुम अगले 2 दौर में सफल हो जाते हो तो यह चाबी तुम्हें मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की 4th परत तक पहुंचा देगी, बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो यह चाबी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की 4th परत? रणवीर के लिए इसका महत्व समझना कठिन नहीं था।
लेकिन वह हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि चाबी से सिर्फ इतना ही लाभ मिलेगा। यह साफ लग रहा था कि यह विशेष पुरस्कार शक्ति के फल के 3 टुकड़ों के प्रथम पुरस्कार से भी ज्यादा निराशाजनक था। क्या यह कुंजी चौथे राउंड में जाने का रास्ता खोलती है? रणवीर की शांत प्रतिक्रिया के विपरीत संजय, अनिल और बाकी सभी के चेहरों पर गहरा आश्चर्य दिख रहा था। संजय के विचार तो जैसे पूरी तरह से उलझ गए थे। वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाया। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल एक अलग दौर का प्रतीक है। जब से इसकी खोज हुई है, अनेकों प्रतिभाशाली लोगों ने इन ट्रायल्स में हिस्सा लिया है, मगर कोई भी तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाया। यहां तक कि जो 3 राउंड में प्रथम रहे, वे भी चौथे दौर में कदम नहीं रख सके, और यह चाबी किसी को चौथे दौर तक पहुंचने की अनुमति दे रही है। संजय ने ईर्ष्या भरी निगाहों से रणवीर की ओर देखा, जैसे वह उसकी किस्मत को समझने की कोशिश कर रहा हो। संजय की बातें सुनने के बाद बाकी सभी भी रणवीर के हाथ में पकड़ी चाबी को जलती आंखों से देखने लगे। हर किसी को पता था कि मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के हर ट्रायल को पार करने पर मिलने वाले पुरस्कार अद्वितीय होते हैं। भले ही यह केवल पहले 3 राउंड ही क्यों न हो, उनके इनाम अकल्पनीय रूप से विशाल होते हैं। सागर ने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में लगातार 3 दौर पार कर लिए थे और इससे उनकी कल्टीवेशन में 3 स्तरों का सुधार हुआ। पहले 3 राउंड का लाभ ही अविश्वसनीय था, लेकिन अगर कोई चौथे राउंड में पहुंच जाए जो अब तक कोई नहीं कर पाया, तो पुरस्कार कितने अद्भुत होंगे। शरद पर्वत की चोटी पर बुजुर्ग की बातें सुनकर सभी लोग स्तब्ध थे। क्या मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की चौथी परत में प्रवेश का मौका? किसी ने हैरानी से कहा। पहले कभी किसी के लिए चौथी परत नहीं खुली थी, अब यह खुलने वाली है। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन अविश्वसनीय है, यहां तक कि एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र भी इसमें घुसने की हिम्मत नहीं करता। चौथा दौर कैसा होगा? देवदत्त और किन्नू संप्रदाय के बुजुर्गों की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखी। हालांकि कुंजी प्राप्त करने का मतलब यह नहीं था कि वह चौथी परत तक पहुंच ही जाएगा, पर इसका विचार ही सभी को रोमांचित करने के लिए काफी था। गोविंद अचंभित था। उसने सोचा भी नहीं था कि रणवीर, जो केवल 8वीं कक्षा का प्रथम श्रेणी मार्शल स्पिरिट था, को वह कुंजी मिलेगी जो चौथे दौर में प्रवेश का रास्ता खोलेगी। क्या रणवीर फिर से चमत्कार करेगा? देवदत्त ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, इस कुंजी को पाने से चौथे दौर में जाना निश्चित नहीं होता, पहले 2 और दौर पार करने होंगे। कौन कह सकता है कि रणवीर ऐसा कर पाएगा? बहुत से लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कुंजी प्राप्त करने के बावजूद रणवीर के लिए अगले 2 दौर पार करना अत्यंत कठिन साबित होने वाला था, क्योंकि उनकी मार्शल स्पिरिट सिर्फ 8वीं कक्षा की प्रथम श्रेणी में थी। इस बीच मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ की ओर देखा और हाथ उठाते हुए कहा, जो असफल हो चुके हैं उन्हें पैवेलियन छोड़ देना चाहिए, जो पास हुए हैं वे दूसरे दौर में आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों को सुनते ही रणवीर ने अपने चारों ओर के दृश्य को अचानक बदलते महसूस किया, मानो यह कोई भ्रम था जो अब गायब हो गया हो। भीड़ के सामने चारों ओर केवल अंधकार था और इसके तुरंत बाद वे खुद को किसी दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ पाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, एक ठंडी आवाज गूंज उठी, यह 2रा राउंड है, यह आपकी शुद्ध शक्ति पर आधारित होगा। केवल शीर्ष 5 अगले दौर में आगे बढ़ेंगे, जबकि बाकी को पैवेलियन छोड़ना होगा। रणवीर ने यह सुनते ही अपने मन को शांत किया और आवाज के स्रोत की ओर देखा। वहां एक गंभीर चेहरा ले हुए आदमी खड़ा था। उसकी 2 बर्फीली आंखें उसे एक कठोर मूर्ति जैसा बना रही थीं। रणवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग किए बिना भी वह जान गया था कि यह आदमी पहले द्वार के बूढ़े से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मुकाबला अब शुरू होता है, उस आदमी ने हवा में हाथ लहराया और अचानक ही उसने एक छोटे पहाड़ के आकार का भारी पत्थर प्रकट किया, जिसे उसने मैदान पर रखते ही जमीन को झकझोर दिया। यह विशाल पत्थर संभावित पत्थरों से अलग था,
इसका पीला रंग मिट्टी की तरह था। दूर से देखने पर यह बेहद भारी और हिलाना मुश्किल प्रतीत हो रहा था। इस पत्थर को फोर्स बोल्डर कहते हैं। अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला करो, यह तुम्हारे हमले की ताकत मापेगा। उस गंभीर आदमी ने भीड़ की ओर देखते हुए आवाज लगाई। पहला कौन?